नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक प्लान किया है धरती को बचाने के लिए, क्योंकि दोस्तों धरती पर आए दिन खतरा मंडरा रहा है। हमारी धरती कभी भी नष्ट हो सकती है, इंसानी जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। दोस्तों धरती को बचाने के लिए वैज्ञानिक नई नई तरकीब ढूंढ रहे हैं, नए नए प्लान कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों को कुछ नहीं सूझा लेकिन एक खतरनाक प्लान उनके दिमाग में आ गया है। अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं जो कभी भी धरती से टकरा सकते हैं। 22 ऐसे एस्ट्रॉयड की खोज की गई है जो कि काफ़ी विशाल और खतरनाक हैं। दोस्तों अगर ये धरती से टकरा गए तो धरती पर इंसानी जीवन खत्म हो सकता है, पूरी धरती खत्म हो सकती है, इसलिए वैज्ञानिकों को डर सता रहा है। तो दोस्तों वो कौन सा प्लान है हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच जाए, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये अंतरिक्ष की दुनिया काफ़ी अनोखी है। अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह हैं और बहुत सारे एस्ट्रॉयड भी हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और सही शब्दों में कहें तो कुछ ऐसी चट्टाने हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाती रहती हैं। उनका एक बेल्ट होता है और उसी बेल्ट में ये एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें खुदा हम सब पर भी अभी मेहरबान है, इसीलिए हमारे धरती पर अभी तक कोई मुसीबत नहीं आई है, लेकिन अगले 100 साल हमारे लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 22 ऐसे विशाल एस्ट्रॉयड की खोज की है जिसको रोक पाना नामुमकिन है। लेकिन वैज्ञानिक नामुमकिन को मुमकिन करने में लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, केवल धरती को बचाने में लगे हुए हैं, इंसानी जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। और हम जो हैं हम तो खाकर और रात में अच्छी गहरी नींद लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को नींद तक नहीं आती है, और अभी अभी नासा वैज्ञानिकों ने सभी को बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें फाल्स हैं, रूमर है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें आपको अंदाजा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। अभी तक जो एस्ट्रॉयड थे धरती से क्यों नहीं टकराए थे, इसके पीछे लॉजिक यह है कि अभी तक जो भी एस्ट्रॉयड थे वो छोटे थे, जैसे हमारे धरती के कक्षा में प्रवेश करते थे वो वहीं पर जल जाते थे और नष्ट हो जाते थे, हमारे वायुमंडल को कभी क्रॉस नहीं किए वो। लेकिन दोस्तों अगर ये एस्ट्रॉयड वायुमंडल को अगर क्रॉस कर जाए तो उन्हें रोकना नामुमकिन है और धरती पर महाप्रलय निश्चित है। दोस्तों आपको बता दें जो ये 22 एस्ट्रॉयड नासा वैज्ञानिकों ने खोज किया है ये बहुत विशाल है, और ये धरती के कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ तक कि वायुमंडल में भी प्रवेश कर सकते हैं, फिर इन्हें रोकना नामुमकिन है। दोस्तों ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको आज से 6.5 करोड़ साल पहले पीछे ले चलते हैं, तब आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। दोस्तों आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन एक ऐसा मनहूस दिन आया जिस दिन डायनासोर का अंत हो गया। दोस्तों आपको बता दें अंतरिक्ष से बहुत बड़ा विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। जब एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था तो उस दौरान 100 हाइड्रोजन बम जैसी एनर्जी उत्पन्न हुई थी, धरती के जो मलबे थे पूरी तरह से अंतरिक्ष में छा गए थे, हर जगह अंधेरा हो गया था, और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी उससे जंगलों में आग लग गई थी, जितनी भी चीज़ें थी धरती पे सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी, और उसी में डायनासोर का भी विनाश हो गया था। इसीलिए सबसे बड़ा डर सता रहा है वैज्ञानिकों को, क्योंकि अनहोनी हो सकती है लेकिन निश्चित अभी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों आपको बता दें नासा वैज्ञानिकों ने एक प्लान किया है, जो ये धरती पर बड़े विशाल 22 एस्ट्रॉयड आ रहे हैं उनको परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई दूसरी तरकीब है उनके पास। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक हारे नहीं हुए हैं, अभी भी तरकीब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि
परमाणु बम एक खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स होता है। इसका प्रभाव धरती पर भी पड़ सकता है, इसलिए वैज्ञानिक अभी दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में परमाणु बम को ही रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है कि कैसे इस एस्टेरॉयड को रोका जाए। बस एक ऑप्शन है, परमाणु बम। अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर आई है, हर जगह तहलका मच गया है। वैज्ञानिक पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि इन एस्टेरॉयड को हम परमाणु बम से नष्ट कर देंगे, अंतरिक्ष में धरती पर आएंगे नहीं। और दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों के पास एक ऑप्शन और है, लेकिन वो छोटे एस्टेरॉयड के लिए है, डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके माध्यम से भी छोटे जो एस्टेरॉयड हैं उनसे एक स्पेस यान टकराकर उन्हें नष्ट कर दिया जा सकता है, लेकिन ये छोटे एस्टेरॉयड के लिए है। लेकिन बड़े एस्टेरॉयड के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, वो है परमाणु बम। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम है जो कि सिर्फ एस्टेरॉयड पर ही नजर रखती है कि धरती पर अंतरिक्ष से कौन सा खतरा आ रहा है और उससे कैसे धरती को बचाया जाए, इसी पर काम करता है, और उन्हीं वैज्ञानिकों ने ये प्लान किया है। दोस्तों अभी तक हमारी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी हम यही चाहेंगे भगवान से कि हमारी किस्मत अच्छी रहे, इन एस्टेरॉयड का नाश हो जाए, अंतरिक्ष में ही ये खत्म हो जाए, धरती पर कभी भी न टकराएं। और दोस्तों हम पूरे मन से और सच्चे होकर हम काम करेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी और इन एस्टेरॉयडों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि एस्टेरॉयड एक प्रकार से काल है जो कि अंतरिक्ष में मंडरा रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपने विचार जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जानकारी सभी तक पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों और कोई अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।